All right guys. Today we are going to talk about MyProtein. Yep, so MyProtein बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है. MyProtein अगर टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 में आपको रैंक करना हो तो कहाँ पर रैंक करेगा? मैं उसको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और मसल टेक के आसपास करूंगा एंड वीडर के नीचे बट थर्ड. ऑन एवरेज को टॉप 5 में माना जाता है MyProtein को एंड टू बी कंसिडर्ड द मोस्ट चीपेस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोटीन. तो अब चीपेस्ट है तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है. तो इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं है. तो ओनली वे टू ऑर्डर MyProtein फ्रॉम आउटसाइड इज थ्रू देयर वेबसाइट myprotein.in. तो MyProtein की दो वेबसाइट है, यूके की वेबसाइट है, एक इंडिया की वेबसाइट है, दैट इज myprotein.in. तो myprotein.in से ही लेना अगर आपको लेना है. तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, हाउ टू ऑर्डर, एट व्हाट प्राइस कैन यू एक्सपेक्ट, सारे डिलीवरी चार्जेस, कस्टम चार्जेस. ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कस्टम, इसलिए वो कैलकुलेटर दिया था मेरा कस्टम. मैंने बहुत पहले ऑर्डर जब किया था एक साल पहले एंड ही वाज एग्जैक्ट. तो ही नोज हिज वेयर आउट कस्टम्स एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जितनी छोटी उतनी रख सकूं, क्योंकि मैंने यूजली देखा है MyProtein की वीडियोस बहुत लंबी खिंच जाती है एंड एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है. तो मैं एक बेसिक आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको कैसे ऑर्डर करना है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं अपना एक लिंक नीचे दूंगा, आपको उसको क्लिक करना है एंड उस लिंक को खुलने का MyProtein की वेबसाइट खुल जाएगी. आपको अपना जो सा प्रोटीन लेना है, आपको वे प्रोटीन इम्पैक्ट लेना है, कोई सा फ्लेवर्स लेने हैं, आप वो अपना फ्लेवर कार्ट में डालिए. तो उनका अबाउट 2.5 केजी इसका पैकेजिंग आती है. तो 2.5 केजी वाला 1 केजी के बाद 2.5 किलो के बाद 5 किलो के बाद, तो 2.5 किलो का अबाउट 2,500 या 2,000 के बीच में पड़ता है. अगर आप 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं उस साइट पे तो आपकी शिपिंग फ्री हो जाती है. तो शिपिंग चार्जेस उनके है अबाउट 500 रुपीज, तो वो आपके कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई शिपिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स का, बाकी फ्रेंड्स का एक साथ स्टैक ऑर्डर करें, जिससे आप अपने शिपिंग चार्जेस अवॉइड कर सकते हैं. पैसे पूल करके अपना एक साथ ऑर्डर कर दीजिए तो आप वैसे कर सकते हैं. आपको अपने कार्ट में प्रोडक्ट डालने हैं, आपका जैसे मान लीजिए 5,000 का ऑर्डर है तो आपकी शिपिंग जीरो लगेगी. मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं बीच में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं ऐसे दे रहा हूं बिकॉज देखो MyProtein अच्छा है. मैं वो सबसे बोलूं, जो प्रोटीन MyProtein में है ना वही प्रोटीन इंडियन ब्रांड्स में है, वही प्रोटीन बाकी फॉरेन ब्रांड्स में. Although MyProtein अपना खुद का मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन, but it's all the same protein here. But यार ऐसी बात नहीं है कि एक बात बताओ, गाय तो सेम ही है, अलग गाय थोड़ी ना ला रहे अपनी, वो गाय तो सेम ही है. तो ग्रास फेड काउज होती है वही इंडिया में इम्पोर्ट होकर लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. बैक टू ऑर्डरिंग, आपने कार्ट में सारे प्रोडक्ट्स अपने वे प्रोटीन्स डाल लिए. अगर आप टैबलेट्स वगैरह कुछ और लेते हैं तो उन पे अलग कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है. मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसको कैसे आपको देखना है. तो आपने अपने वे प्रोटीन्स डाल लिए, आपने क्रिएटिन डाल लिया, आपका अबाउट 5,000-6,000 का कार्ड की वैल्यू हो गई, आपने ऑर्डर कर दिया, अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया. लेकिन उससे पहले आपको एक कूपन कोड भी मांग सकता है वो, उसमें आप मेरा कोड डाल सकते हैं, दैट इज हार्श HAARSH. अगर आप वो कूपन कोड डालते हैं आपको 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा. इससे आप ही का फायदा है, मेरे को भी कुछ प्रॉफिट होगा. ऑल दो मैं इसको यूज नहीं करने वाला, स्टिल इफ यू वांट यू कैन यूज इट. मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से उसको डाल दूंगा, इट कैन हेल्प यू. तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने ऑर्डर कर दिया. अब इनके दो वेज होते हैं इंडिया में सेंड करने के, एक होता है बाय पोस्ट, इंडियन पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं, और एक उनका एक डिलीवरी पार्टनर है AMX. तो ये दो तरीके हैं जिससे आता है. अब इन पे ज़्यादा मत देखिए, वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देगा, आप उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं आपका कहाँ पर है पार्सल, अब कहाँ पहुँचा, अलग अलग स्टेजेस ट्रैक कर सकते हैं. उसके बाद यू जस्ट हैव टू सी, तो ट्रैकिंग आईडी में आप बेसिकली देख सकते हैं आपका पार्सल कहाँ पर है, कब डिस्पैच कर रहे हैं उनके वेयर हाउस से, कब इंडिया रीच कर रहे हैं, कब आपके पोस्ट ऑफिस पहुँच रहे हैं, कब आपके घर पर आना है, या फिर कब आपको पोस्ट ऑफिस जाके इसको क्रेडिट करना है आफ्टर पेइंग कस्टम चार्जेस. तो कस्टम चार्जेस का क्या सीन है, इट्स अबाउट 40-50% आप लेके चलिएगा आपके ऑर्डर का, आपको पे करने पड़ सकते हैं. There might be chances कि आपको 0% कस्टम चार्जेस पे करने हो, बट बहुत रेयर केस होते हैं, मतलब 10 में से एक या दो बार होता है, या फिर आप कम वेट का पार्सल मंगवाते हैं, जैसे 2-3 हज़ार का ऑर्डर करते हैं, तब आपको 0% पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि तब उनको शक भी नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, तो उसको लेट इट पास कर देते हैं. तो बेसिकली क्या होगा, आपको 40% पे करना पड़ेगा. अगर 5,000 का ऑर्डर तो 40% 2,000 रुपीज़ हुआ, तो आपको 7,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. लेकिन 7,000 फॉर अबाउट 7-5 केजीज ऑफ प्रोटीन, दैट इज MyProtein, हाई क्वालिटी एंड डायरेक्ट उनसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली जेन्युइन होएगा, तो इट्स प्रीटी गुड. बट अब लास्ट में मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारी बजट एक्सक्लूड करनी है तो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम Amazon इंडिया. अब Amazon इंडिया से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल्दो एक ड्रॉबैक है कि उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होएगा इस प्रोसेस से, बहुत ज्यादा बेटर रहेगी Amazon से, बिकॉज़ यू नो बहुत सारे बजट है उसमें, कस्टम ड्यूटीज ये वो ऑप्शन पास करना, इंपाउंड कर ले उसको, इंपाउंड ड्यूटीज पे करो. एक जो छोटी सी बजट छुप गई है वो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट. सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते, वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी इट्स
रियली टफ, सबको फिजिबल नहीं लगता है. तो Amazon यू नो कैश ऑन डिलीवरी भी करता है, Paytm भी करते हैं, सारे पेमेंट मेथड्स होते हैं. तो Amazon में और तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मैं बताता हूँ. फ्लेवर्ड पड़ेगा 2.5 kg का आपको 5,000 rupees का, सो स्टिल गुड. आपको बाकी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वगैरह से सस्ता ही पड़ा. लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ इंडियन ब्रांड्स है जो माई प्रोटीन से भी अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट चीपर देन दैट. मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. आई होप अगर आपको वो पसंद आए तो यू कैन बाय देम. एंड कोई भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. आई एम ऑलवेज हेयर एंड आई रिप्लाई एवरी कमेंट. आई नो आपको क्वेरीज आएगी इस पेमेंट एंड सारे ऑर्डरिंग के प्रोसेस में, तो आई एम देयर टू आंसर एवरी क्वेश्चन. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आप मुंबई से है तो कभी बाहर से मत मंगवाना. मुंबई की कस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको 9,000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. तो मुंबई वाले तो प्लीज इग्नोर, आप Amazon से ही खरीदिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. यू गाइज मीन अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.